हाय, मैं हूँ डॉक्टर विशाल तोमर और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाइलोनाइडल साइनस की बीमारी क्या होती है, क्यों होती है, कैसे आप इसको होने से रोक सकते हैं और इस बीमारी का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट कौन सा। सबसे पहले हम जानेंगे कि पाइलोनाइडल साइनस बीमारी क्या होती है। पाइलोनाइडल साइनस एक ऐसी बीमारी है जो कि आपकी स्किन से रिलेटेड है, जो बटक्स यानी कि आपकी पीठ के साइड में दोनों ही बटक्स के बीच का जो एरिया होता है, जो स्किन होती है टेल बोन के पास, इस एरिया ऑफ स्किन में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए और वहाँ पर पस जमा होने लगे तो उस बीमारी को हम कहते हैं पाइलोनाइडल साइनस, सिंपल शब्दों में। तो ये पाइलोनाइडल साइनस की बीमारी किन लोगों को होती है? पाइलोनाइडल साइनस की बीमारी उन लोगों को होती है जिनके पीठ के ऊपर या ओवरऑल पूरी बॉडी पे बाल ज़्यादा होते हैं, जिनको एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होती है, उनको पाइलोनाइडल साइनस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और भी कई कारण ऐसे देखे गए हैं पाइलोनाइडल साइनस होने के, जैसे कि उस एरिया में स्किन इन्फेक्शन होना, पुअर हाइजीन होना, वहाँ पर पूरे टाइम मॉइस्चर जमा रहना, जो हेयर ग्रोथ होती है अगर वहाँ पे कुछ लोग अगर शेव करते हैं तो जो हेयर ग्रोथ है वो इनवर्ड हो जाती है, यानी कि अंदर स्किन की तरफ हेयर की ग्रोथ हो सकती है। ये सब अलग अलग कारण है पाइलोनाइडल साइनस होने के। जब आपको पाइलोनाइडल साइनस हो जाता है तो आपको कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं? पाइलोनाइडल साइनस में सबसे मेन प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि जो वहाँ पे स्किन का एरिया है वहाँ से आपको कोई खराब स्मेल वाला डिस्चार्ज, यानी कि प्यूरुलेंट फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आने लगता है। वो इसलिए आ जाए क्योंकि वहाँ पे पस जमा हो गया होता है। अगर इस बीमारी को शुरू में ध्यान ना दिया जाए तो ये डीप और यानी कि और स्किन और उसके अंदर के लेयर्स तक स्प्रेड हो सकती है, यानी कि बोन तक ये पहुँच सकती है, और फिर इस बीमारी को पाइलोनाइडल साइनस को ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर ये इन्फेक्शन धीरे धीरे पूरी बोन में या पूरे ब्लड में कहीं स्प्रेड हो जाए तो आपको पूरे बॉडी में फैल के ज़्यादा नुकसान कॉज कर सकता है। तो पाइलोनाइडल साइनस वैसे देखने में कोई छोटी सी बीमारी लगती है, बट अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाए तो ये काफ़ी सीरियस बीमारी भी बन सकती है। तो आप पाइलोनाइडल साइनस होने से कैसे रोक सकते हैं? पाइलोनाइडल साइनस होने के कारण सबसे जो मेन कारण है वो है वहाँ पे एक्स्ट्रा हेयर की ग्रोथ होना और पुअर हाइजीन होना। एक्स्ट्रा हेयर की ग्रोथ को दूर किया जा सकता है, हाउएवर अगर आप उसको एकदम क्लोज शेव करेंगे तो न्यू हेयर ग्रोथ जो वहाँ पे होगी देर आर हाई चांसेस कि वो ग्रो होके वापस स्किन की तरफ जाए और आपको इरिटेशन कॉज करे, धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन होके वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो द आइडिया इज नॉट टू शेव दैट एरिया, बट द आइडिया इज टू ट्रिम द हेयर विच आर प्रेजेंट इन दैट एरिया। अगर आप उस एरिया के हेयर को ट्रिम करेंगे तो आप अपने पाइलोनाइडल साइनस होने की तकलीफ को दूर रख सकते हैं। उसके अलावा आप डीपाइलेटरी क्रीम यूज कर सकते हैं। डीपाइलेटरी क्रीम जो होती है उससे हेयर अपनी रूट से निकल के आता है तो वो वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं होती कि जो नया हेयर ग्रोथ होगा उसका डायरेक्शन जो है वो अलग हुआ या गलत होगा। थर्ड ऑप्शन विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑप्शन इज टू यूज लेजर थेरेपी फॉर हेयर रिमूवल, बट द प्रॉब्लम इज दैट इट इज़ एक्सपेंसिव एंड यू हैव टू अंडरटेक मेनी सेटिंग्स। आपको कई बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है हेयर रिमूवल के लिए। हाउएवर अगर आप लेजर से एक बार हेयर रिमूवल करा लेते हैं तो आपके पाइलोनाइडल साइनस होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर आपको पाइलोनाइडल साइनस की बीमारी है तो आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? आपको डॉक्टर के पास तब जाना चाहिए जब आप देखें कि आपको उस एरिया में काफ़ी इन्फेक्शन हो गया है, काफ़ी अगर आपको दुखने लगा है, अगर आपको वहाँ पे खुजली हो रही है, अगर आपको वहाँ से दिख रहा है कि कोई पस जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, अगर आपको पेन हो रहा है, अगर आपको फीवर आने लगा है, ऐसे अगर सिम्टम्स आपको आने लगे तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अब डॉक्टर को मिलने का समय आ गया है। अगर आप खुद की ट्रीटमेंट्स खुद ही कर रहे थे या इंटरनेट को देख के कर रहे थे तो अब आपको रोक लेना चाहिए और एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर को जाके मिलना चाहिए और अपनी बीमारी उनके साथ डिस्कस करनी चाहिए। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है पाइलोनाइडल साइनस का? बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन पाइलोनाइडल साइनस का है उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट, यानी कि उसकी सर्जरी करना। ये सर्जरी में क्या होता है कि जो पूरा इन्फेक्टेड एरिया है उसको कट करके निकाल दिया जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है इसको सर्जरी करने के और भी कई तरीके आ गए हैं, जैसे कि आप लेजर द्वारा भी इसकी सर्जरी कर सकते हैं। हाउएवर लेजर की सर्जरी में इसको पूरी तरीके से निकाला नहीं जाता है एंड लेजर की सर्जरी उन्हीं पाइलोनाइडल साइनस के लिए एप्लीकेबल है या सूटेबल है जिनका की साइज बहुत ज़्यादा नहीं है।
जो लेजर द्वारा सर्जरी है उसमें जो अंदर का साइनस जो बना है, जो कैविटी बनी है, उसको लेजर से आप जला देते हैं जिससे कि वो इन्फेक्शन वहीं का वहीं रुक जाता है एंड आपको एक बड़ी सर्जरी यानी कि बड़ा घाव होने से आप बच जाते हैं। लेकिन अगर आपका इन्फेक्शन इतना आगे बढ़ चुका है कि सिर्फ लेजर से वो ठीक नहीं होगा तो आपको पूरी सर्जरी ही करानी पड़ेगी और पूरे इन्फेक्शन को जड़ से निकालना पड़ेगा एंड आपको उसके बाद में कई दिनों तक ड्रेसिंग के बाद वो घाव को ठीक से भरने देना पड़ेगा, तभी आप पूरी तरीके से बीमारी से फ्री हो पाएंगे। तो इन शॉर्ट इसका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है। जहाँ तक मेडिकल ट्रीटमेंट की बात आती है, जैसे मैंने बताया मेडिकल ट्रीटमेंट से आप सिम्टम्स को दूर कर पाएंगे, टेम्परेली वो रुक सकते हैं, बट जैसे ही दवाइयों का असर कम होगा वो आपको सिम्टम्स वापस आ जाएंगे, बीमारी फिर से आ जाएगी, क्योंकि जो मेन कॉजेटिव फैक्टर है यानी कि एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ वो अभी भी वहीं पे प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप सर्जरी करा भी ले तो भी क्या उसके रिकरेंस के चांसेस हैं? सो द आंसर इज यस, उसके रिकरेंस के चांसेस हैं अगर आपकी हेयर ग्रोथ अभी भी पहले जैसी ही है। एक बार आपने अगर सर्जरी करा ली है तो आपको अपनी हेयर ग्रोथ को भी लिमिट करने के लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे, अगर आपने नहीं लिए तो आप फिर से सेम बीमारी का शिकार बन जाएंगे। इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि पाइलोनाइडल साइनस को अगर आप ठीक कराना चाहते हैं तो आपको सर्जरी करानी चाहिए, दवाइयों से आपको टेम्पररी आराम मिलेगा और अगर आप हेयर रिमूवल के लिए भी स्टेप्स लेंगे तो उसकी रिकरेंस भी ना के बराबर ही होती है। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो आपको बताने के लिए कि पाइलोनाइडल साइनस बीमारी क्या होती है और आप कैसे उससे दूर रह सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू गेन सम वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लिव हेल्दी लिव स्मार्ट।